हम लोगों की कौन सी चीज की इस बारे रियल है कर ली बाल ये किससे मिली बाबा से ओ, उनके भी ददियाल में सभी के हैं तकरीबन हाँ सो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती लाइक एक्टिंग वगैरह में जब कास्टिंग हो रही होती है शुरू में तो ये थोड़ा सा था कि मुझे फील होने लगा था कि मे बी इस वजह से थोड़ा स्क्रीन पे मुझे डिफरेंट लगता है या काम उस हिसाब से नहीं मिलता कि मेरे बाल बहुत कर्ली और मैं टिपिकल उस कैटेगरी की गरीब लड़की तो बन भी नहीं सकती और मैं गरीब लड़की नहीं बन सकती और मैं मिडिल क्लास लड़की नहीं बन सकती तो मुझे लगता है थोड़ा सा कैटेगराइज कर लिया कि जो गरीब लड़की बने वो दुपट्टा ओढ़ के शरीफ सी हो बट आई थिंक इट डजंट मैटर लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम बाल संभालने में भी हुआ था शुरू में जब समझ नहीं आता था बहुत टूटने भी लग गए थे टेक्सचर भी मैंने लूज कर दिया था बाल थोड़े से कहीं कहीं से स्ट्रेट स्ट्रैंड हो गए थे लेकिन फिर जब समझ आया पूरी साइंस है कर्ली बालों के पीछे बहुत मेहनत है बहुत ज्यादा क्या करती हूँ कैसे मेंटेन करती हूँ अच्छा आई डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डीटीज मतलब मैं डीप ट्रीटमेंट्स करती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा और मैं बालों को सन से प्रोटेक्ट करती हूँ सो व्हेनेवर आई गो आउट आई ट्राई टू कवर माई हेयर ताकि वो क्योंकि वो है ना इस्लाम में भी है तो एवरीथिंग हैज अ रीजन तो इसका मुझे लगता है जैसे मेरी अम्मी स्कार्फ करती हैं उनके बालों का टेक्सचर मैं कहती हूँ जबरदस्त उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं कराया और बस सन बहुत डैमेज करता है हमारे बालों को तो उसका ख्याल रखना होता है और डीप ट्रीटमेंट्स मैं बहुत करती हूँ डीप ट्रीटमेंट्स में क्या क्या शामिल है जैसे अच्छा डिपेंड करता है जैसे अगर मेरे कर्ली बाल हैं और अगर इसके भी कर्ली बाल हैं तो जो मुझे सूट करता है वो इसको नहीं करेगा क्योंकि हम दोनों का टेक्सचर अलग है हम दोनों की पोरोसिटी अलग है तो फर्क पड़ता है मुझे सूट करता है राइस क्योंकि प्रोटीन मिमिकर होता है तो मैं चावल का पेस्ट सारा बनाकर घर में चावल का पेस्ट मैं सब कुछ अपने हाथ से जैसे खीर के लिए बनाते हैं चावल का पेस्ट चीनी नहीं मिलाते भाई राइस चावल की जो पीच होती है ना वो भी बहुत अच्छी होती है बालों के लिए अच्छा ये तो मुझे राइस वाटर इज वेरी फेमस फॉर राइस वाटर है ओटमील है अगर आप उनके पानी से अपने बाल रिंस भी करें ना राइस वाटर से जो वो पीच कह रही है जैसे मैं चावल लेती हूँ उसको पानी में डालती हूँ ग्लास कंटेनर जो एयर टाइट होता है उसको सारी रात के लिए फर्मेंट करने के लिए छोड़ देती हूँ ठीक है अगले दिन उसके चावल निकाल देती हूँ जो पानी होता है उसको डाल के तब तक के लिए छोड़ देती हूँ जब तक मेरे बालों में वो सूख ना जाए विच इज लाइक 2 घंटे 3 घंटे विच इज वाई बिकॉज राइस वाटर एक्ट्स लाइक अ प्रोटीन मिमिकर तो हमारे बाल प्रोटीन से बने होते हैं तो वो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इतने हेल्दी हो जाते हैं मुझे बहुत वॉश देम आफ्टर या आई डू वो पता है कि जैसे लगे सैलॉन्स में होता है ना प्रोटीन ट्रीटमेंट करा के आई हूं तो ये दिस इज प्रोटीन ट्रीटमेंट एंड दिस इज ऑर्गेनिक और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है दिस इज ऑर्गेनिक समथिंग एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इजी और वो चावल में सुरसुरियां निकाल देते हो ना या अरे घर में चावल तो बॉईल होते ही है ना तो बालों में बॉईल नहीं कर रही है नहीं आई एम नॉट बॉईलिंग मैं कह रही हूं कि अगर आपके यहां बॉईल हो रहे हैं चावल और उसकी पीछ निकालते ही हैं बजाय फेंकने के उसको आप रख लें बस भाई अकलमंदी करना गरम गरम ना डालें ना पता चले ठंडा हो जाए कि वो आप पीछ धो लें और फटाफट निकली पीछ और आप ले गए बाथरूम में गरम ऐसे नहीं सीरियसली लोग बिल्कुल इस तरह वो करते हैं उसको ठंडा कर ले और ठंडा करके फिर जब बाल शैम्पू करने के बाद उसको एक दफा फिर लगा ले बालों में और उसको फिर छोड़ दें आधे घंटे के लिए ओह ग्रेट की बड़ा अच्छी टिप दे गए आधे घंटे के बाद उसको फिर आप अच्छा देखो तो जैसे शैम्पू कर लिया क्योंकि मैंने भी ना मैंने अपनी जिंदगी की पहली सीरियल की थी उसमें इस तरह पर्म कराए थे अच्छा अच्छा मेरे वेवी बाल हैं स्ट्रेट नहीं है इस तरह के हैं मेरे वेवी तो मैं जो मेरे इतने लंबे लंबे बाल थे मैंने पर्म कराए अब वो मुझे संभालना ही नहीं आते थे कैसे करूँ मैं तो ये करती थी मैं शैम्पू करती थी कंडीशनर करके गीले छोड़ दिए आफ्रोकॉम से कर लिए और उसके बाद ऐसे ही रह गए बस अच्छा फिर मैं अगर मैंने सूखे हुए बालों में ब्रश कर लिया तो एक बम नहीं यहाँ पे हो जाता है फूल जाते होंगे अजीब तो तुम क्या करती हो मैं सूखे बालों में तो कभी ब्रश नहीं चलाती एंड आई डू नॉट यूज शैम्पू आई ओनली यूज शैम्पू वंस इन अ वीक सो दैट्स अनदर टिप शैम्पू जितना कम यूज करते हैं उतना ज्यादा आपके बालों के लिए हेल्दी होता है ये बहुत जरूरी होता है मैं भी ट्वाइस यूज करती हूं वीक में हां और शैम्पू भी ऑर्गेनिक जिसमें सल्फेट और सिलिकॉन्स और अमोनिया वगैरह नहीं होता ओह माय गॉड क्योंकि ये बाल गिरता भी ज्यादा है ना नहीं ये बाल मेरे नहीं गिरते नहीं नहीं तुम्हारे नहीं गिरते तुम ख्याल करें बहुत ख्याल लेकिन ये बाल जिसका होता है उनके गिरते क्योंकि इसमें ब्रेकेज आता है ना बहुत ज्यादा उलझते हैं आप क्लिप लगा मैंने ये बना लिया ना अभी अगर उतारूंगी तो मेरा भी बाल उलझेगा लेकिन उसमें मैंने इतनी सारी अभी प्रोडक्ट्स लगाए हुए कि वो मैं थोड़ा सा करूंगी तो खुल जाएगा प्रोडक्ट्स दिखाओ या आई डू आई थिंक दे हैव द प्रोडक्ट्स या आई विल शो यू इफ यू वांट टू वॉच मोर एंड गेट अपडेटेड सो फॉलो एयरवेयर डिजिटल्स YouTube पेज